गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट फोर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेवन गिवन इन दिस क्वेश्चन थ्रू ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ सिक्सटी मीटर देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाओ एंड देयर आर टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरल टू द साइड इन साइड्स के पैरेलल आपने दो रोड कंस्ट्रक्ट किए एक इस साइड के पैरेलल और एक इन साइड के पैरेलल जिसकी विड दे रखी आपको थ्री मीटर मतलब रोड की जो चौड़ाई है दोनों रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी थ्री मीटर अब आपको इसकी लेंथ गिवन है कितनी है आपकी नाइनटी मीटर और ये है आपकी सिक्सटी मीटर पैरेलल टू द साइड एंड कट ईच अदर एक दूसरे को कट करते हैं राइट एंगल राइट एंगल मतलब 90 से थ्रू द सेंटर इसके सेंटर में तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लो एग्जैक्टली exactly सेंटर बन जाएगा तो ये हो गया है सेंटर में ठीक है अब आपको विड्स ऑफ द रोड इज थ्री मीटर गिवन है आपको फाइंड क्या करना है एरिया कवर्ड बाय द रोड्स आपको रोड का एरिया फाइंड करना है तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रोड तो बहुत ही सिंपल है अगर मुझे रोड का एरिया फाइंड करना है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स था एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर सेवन तो अब आपको कौन सा एरिया निकालना है इस रोड का एरिया निकालना है और इस रोड का एरिया निकालना है तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज रोड दीज आर शेप ऑफ रेक्टेंगुलर ये रेक्टेंगुलर शेप के हैं बस पहले आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो देन इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो और उसमें से माइनस करना है हमें इस स्क्वायर का एरिया ऐसा क्यों क्योंकि ये दो बार इंक्लूड है एक बार इस रेक्टेंगल में भी है और एक बार इस रेक्टेंगल में है भी है हमें सिर्फ एक बार लेना है और दो बार रिपीट हो गया तो हम इनके रेक्टेंगल के एरिया में से इसको माइनस करेंगे जिसकी साइड कितनी गिवन है आपको थ्री मीटर तो सबसे पहले ये देखो इसको रेक्टेंगल वन मानो और इसको रेक्टेंगल टू मानो तो लेंथ क्या गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल वन की जो लेंथ है वो क्या है आपकी देखो रेक्टेंगल वन इसको मानना है लेंथ क्या है नाइन्टी मीटर तो ये हो गया आपका नाइन्टी मीटर अब आपको क्या लेनी है इसकी ब्रेथ तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वन इज देखो ब्रेथ इसकी क्या है आप सिर्फ इसको रेक्टेंगल मान रहे हो ना दिस इज अवर रेक्टेंगल इसकी ब्रेथ थ्री मीटर है डोंट टेक सिक्सटी सिक्सटी मत लेना हमें सिर्फ थ्री मीटर चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे थ्री मीटर अब आप एरिया निकालो वट इज द एरिया ऑफ़ दिस रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल वन का एरिया क्या हुआ आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ नाइन्टी इंटू थ्री तो नाइन्टी इंटू थ्री करोगे तो आपका आएगा टू सेवेंटी मीटर स्क्वायर सिमिलरली हम किसका एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल टू का तो उसकी राइट कर लो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल वन की जो लेंथ है वो देखो वाट इज द लेंथ ऑफ दिस ये सिक्सटी मीटर है तो ये भी क्या होगी आपकी 60 मीटर और सेम है तो ब्रेथ उसकी सेम रहेगी वट इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल टू ले रहे हो टू राइट करो तो टू की क्या होगी थ्री मीटर वट इज द एरिया अगर आपको इसका एरिया निकालना है रेक्टेंगल टू का तो सिक्सटी इंटू थ्री दैट इज वन एटी मीटर अब हमें निकालना है एरिया ऑफ टू क्रॉस रोड तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ टू क्रॉस रोड तो आप लिखो एरिया ऑफ टू क्रॉस रोड्स क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू माइनस कौन सा पार्ट जो कॉमन पार्ट है आपका एरिया ऑफ दिस कॉमन पार्ट एरिया ऑफ कॉमन स्क्वेयर पार्ट तो पार्ट का एरिया निकालना बाकी है तो वो भी निकाल लेंगे क्योंकि आपको पता है थ्री इंटू थ्री उसका एरिया क्या होगा नाइन तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन राइट करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन टू सेवेंटी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू वन एटी एंड माइनस थ्री इंटू थ्री कॉमन पार्ट का अगर मैं एरिया निकालू तो ये स्क्वेर है आपका कॉमन पार्ट और ये भी थ्री है ये भी थ्री है तो थ्री इंटू थ्री नाइन हो जाएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा एट ओ सेवन फिफ्टीन टू थ्री फोर फोर फिफ्टी में से नाइन जाएगा तो आंसर आएगा आपका फोर फोर्टी वन मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ टू क्रॉस रोड है अब आपको इसकी क्या निकालनी है कंस्ट्रक्शन कोस्ट निकालनी है तो कंस्ट्रक्टिंग जो कोस्ट है वो रोड की क्या दे रखी है एक मीटर स्क्वायर की वन हंड्रेड टेन रुपीज और आपको कितना निकालना है फोर हंड्रेड फोर्टी वन मीटर स्क्वायर का तो यहाँ पे राइट करो कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर इज रुपीज कितना दे रखा आपको वन हंड्रेड टेन और आपको कोस्ट निकाली है फोर फोर्टी वन मीटर स्क्वायर की तो फोर फोर्टी वन को मल्टीप्लाई कर दो वन वन टेन से तो टोटल आपकी कोस्ट आ जाएगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट This is दिस इज what what is given in this question? The दिस wrapped a cord around the circular pipe. एक वायर लेती है वो और सर्कुलर जो पाइप है उसके अराउंड दिया है तो अगर वो सर्कुलर अराउंड द सर्कल है तो वो बात कर रहे हैं perimeter की तो आपको उसकी वायर की इसमें लेंथ निकालनी है तो हमें सर्कल का पैरीमीटर निकालना है सेम कोड वो यूज़ करती है किस में स्क्वायर स्क्वायर में जिसकी साइड दे रखी है आपको फोर सेंटीमीटर तो आपको चेक करना है कि इसकी जो वायर है अगर मैं स्क्वायर पे लगाऊं तो वो इसको कम्प्लीटली मतलब चारों तरफ लग जाती है या कुछ पार्ट उसका बच जाता है तो आपको ये वाला फाइंड करना है कि वायर इज़ लेफ्ट और नॉट तो वायर लेफ़्ट और नॉट का पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा पैरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों सेम है या ये ज़्यादा है या ये, ये ज़्यादा है तो पहले चेक करते हैं सबसे पहले राइट करो रेडियस ऑफ ए सर्कल रेडियस ऑफ ए सर्कल गिवन आपको फोर सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर जो सर्कल का होता है वो सर्कम होती है एंड वॉट इज द सर्कम फ्रेंस टू बाई आर एंड टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फोर जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये फोर्टी फोर इंटू फोर वन सेवेंटी सिक्स बाई सेवन सेंटीमीटर आ जाएगा अब सिमिलरली वी हैव फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सबसे पहले आप लिखो साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है आपको कितना फोर सेंटीमीटर इसका भी फोर सेंटीमीटर रेडियस था इसकी साइड है वट इज द एरिया अगर मैं एरिया की बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा एरिया सॉरी एरिया नहीं पैरीमीटर क्योंकि आपने जो वायर है वो आउटर बाउंड्री पे लगानी है तो आप पैरीमीटर फाइंड करो पैरीमीटर ऑफ ऑफ स्क्वायर पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका फोर इंटू साइड फोर इन टू साइड मतलब फोर एंड साइड आपको कितनी दे रखी है फोर तो ये हो गया आपका सिक्सटीन सेंटीमीटर अब आपको कंपेरिजन करना है कि ये बड़ा है या ये, ये बड़ा है? तो इसको पॉइंट में चेंज कर लो जब 176 को पॉइंट में चेंज करोगे तो सेवन टू जा फोरटीन डिवाइड कर लो 176 को किससे करना है आपको सेवन से सेवन टू जा फोर्टीन थ्री और सिक्स सेवन फाइव जा थर्टी फाइव वन ज़ीरो लिया सेवन वन जा इतना ही बहुत है ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन है इसका मतलब ये जो आपका है ये है ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सेंटीमीटर और ये है सिक्सटीन सेंटीमीटर तो ऑफ कोर्स उस टाइम जो वायर की लेंथ है वो कितनी है ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सेंटीमीटर जब हमने इसको स्क्वायर पे लगाया तो इसकी लेंथ कितनी है सिक्सटीन सेंटीमीटर तो वायर बचेगी तो लेफ्ट वायर लेंथ ऑफ लेफ्ट वायर कितनी है आफ्टर रैपिंग इतना लिखने की जरूरत नहीं है आप सीधा लिख दो लेंथ ऑफ लेफ्ट वायर कितनी होगी 25.1 में से आपको माइनस करना है 16.0 जब आप इसको माइनस करोगे तो आइए आएगा आपका फिर 9.1 तो 9.1 सेंटीमीटर लेंथ आपकी बच जाएगी जब आप वही लेंथ जो आपने सर्कल पे वायर को जो रैप किया है फिर आपने स्क्वायर पे रैप किया है तो कितनी लेंथ बची है आपको नाइन सेंटीमीटर तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर एट अब आपका क्वेश्चन नंबर नाइन गिवन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें गिवन है आपको एक रेक्टेंगल और एक छोटा सा स्क्वायर गिवन है सेंटर में तो ये लेंथ है आपको टेन मीटर दे रखी और 5 lawn. Lawn है और ये फाइव मीटर दैट इज दवर एरिया ऑफ लॉन ये लॉन है और लॉन के बीच में ये फ्लावर बेड लगा हुआ है ये पहले ये पूछता है कि एरिया ऑफ होल लैंड ये जितनी भी लैंड है इसका एरिया निकालो फिर ये पूछता है एरिया ऑफ फ्लावर बेड मतलब सिर्फ इसका एरिया निकालो फिर थर्ड पार्ट में ये पूछता है एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड मतलब इस लॉन का एरिया जिसमें से ये एरिया आपको हटाना एक्सक्लूड करना है मतलब हटाना है नेक्स्ट में है सरकम ऑफ ए फ्लावर बेड इस फ्लावर बेड की आपको क्या निकालनी है सरकम चार पार्ट हैं और चारों ही बहुत इजी हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ होल लैंड ले लो ये राइट आपको खुद करना है लेंथ ऑफ लॉन एंड ब्रेथ ऑफ लैंड बट मैं डायरेक्ट एरिया निकाल रही हूं व्हाट इज लॉन लेना है एरिया ऑफ होल लैंड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लेंथ क्या है आपकी टेन एंड ब्रेथ क्या है आपकी फाइव तो सीधा हो गया फिफ्टी मीटर स्क्वायर तो आपने लॉन का एरिया निकाले उसके बाद आपको किसका एरिया निकालना है एरिया ऑफ फ्लावर बेड तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड होता है आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर आपको रेडियस ऑफ फ्लावर बेड ये सब राइट करना है मैं डायरेक्ट कर रही हूँ पाई की वैल्यू हो गई आपकी ट्वेंटी टू बाई सेवन और रेडियस गिवन है आपको टू तो ये टू इंटू टू हो जाएगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका एटी एट बाई सेवन पॉइंट में चेंज कर लो सेवन वन जा सेवन वन बचा सेवन टू जा फोर्टीन फोर बचा तो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव एंड सेवन वन टू फाइव सेवन मीटर स्क्वायर तो ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी सेवन किसका एरिया आ गया आपके फ्लावर बेड का एरिया आ गया अब ये कहते हैं एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड अब अगर मुझे एक्सक्लूड करना है तो इसमें से एरिया ऑफ होल लैंड में से क्या माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ फ्लावर बेड माइनस करना करना पड़ेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो 50 माइनस ट्वेल्व तो 50 में से 12.7 जाएंगे तो आंसर आएगा आपका देखो 50 में से आपको माइनस करना है 12.57 तो 10 में से 7 गया 3 9 में से 5 गया 4 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3. तो आपका आंसर आ जाएगा 37.43 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है इस लैंड का जिसमें से फ्लावर बेड हमने हटा दिया फ्लावर बेड हटा दिया मतलब इसका एरिया इसके एरिया में से माइनस कर दिया अब लास्ट इसने आपसे क्वेश्चन पूछा वट इज द फ्रेंस ऑफ दिस फ्लावर बेड तो आपको पता है कि सर्कम क्या होती है दैट इज इक्वल टू टू पाई आर एंड आपके पास टू ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर की वैल्यू गिवन है टू तो ये अगेन आपका क्या हो जाएगा टू इंटू टू एटी बाई फोर फोर को एटी एट बाई सेवन आएगा और एटी एट बाई सेवन को अगेन आप राइट कर सकते हो ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेवन मीटर स्क्वायर ऑलरेडी हम वहाँ पे कर चुके हैं तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर नाइन जिसमें सबसे पहले आपको लॉन का एरिया पूछा फिर उसने फ्लावर बेड का एरिया पूछा फिर उसने कहा लॉन के एरिया में से फ्लावर बेड के एरिया को हटा दो एक्सक्लूड कर दो तो हमने माइनस कर दिया फोर्थ में उसने पूछा बट इज द सर्कम्फ्रेंस ऑफ दिस फ्लावर बेड तो टू पाई आर करके हमने सरकम निकाल ली सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर नाइन नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टेन दिस इज क्वेश्चन नंबर टेन इसमें गिवन है आपको फिगर वन एंड टू दो फिगर दे रखे हैं और आपने आपको बोला गया है कि सेडिड रीजन का एरिया निकालो इसमें कहीं नहीं मेंशन किया होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो एरिया ऑफ सर्कल निकालो जस्ट इसने मैंशन किया है कि जो सेडिड रीजन है आप इसका एरिया फाइंड करो नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया देखो डायरेक्ट मैं बता रही हूँ आपको कि ये आपकी क्या है एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एरिया में से मैं दो ट्रैंगल के एरिया अगर माइनस कर दूँ तो मेरा कौन सा एरिया आ जाएगा सेडेड रीजन का एरिया तो सबसे पहले मैंने इस ट्रैंगल को वन माना है इस ट्रैंगल को टू माना है तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको पता है बेस इन हाइट क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल आपका नाइन्टी का है तो ये आपकी हाइट बन जाएगी और ये आपका बेस बन जाएगा तो मैं फोकस कर रही हूं रेक्टेंगल वन पे ट्रेंगल वन की आपको हाइट गिवन है और बेस गिवन है तो लिखो बेस ऑफ ट्रैंगल वन ट्रेंगल वन का जो बेस है वो आपका एट सेंटीमीटर है और हाइट है आपकी हाइट ऑफ triangle वन is हाइट देखो ये है हाइट है टेन सेंटीमीटर तो एरिया निकालो आप एरिया ऑफ ट्रैंगल वन क्या आएगा वन बाई टू बेस इन टू हाइट तो बेस कितना है आपका एट इन टू में हाइट यहाँ से रिड्यूस कर दो फाइव जा पे गया एंड एट फाइव जा फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वेर अब आ जाओ आप किसका रेक्टेंग, ट्रेंगल टू का ट्रेंगल टू का बेस क्या है देखो ये आपका नाइनटी का है तो ये आपका बेस हो गया और ये आपकी इतनी हाइट हो गई क्योंकि यहां आपकी ट्रैंगल खत्म हो रही है तो सबसे पहले ले, ले, बेस ऑफ ट्रगल टू ट्रैंगल टू का जो बेस है वो है हाँ आपका टेन सेंटीमीटर देन राइट हाइट व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रेंगल टू ज सिक्स सेंटीमीटर राइट एरिया एरिया ऑफ ट्रैंगल टू इज वन बाई टू बेस इंटू हाइट इसको रिड्यूस करोगे फाइव ज़ा एंड फाइव सिक्स जटी मी सेंटीमीटर स्क्वा आपने क्या किया ट्रैंगल वन का एरिया निकाला ट्रेंगल टू का एरिया निकाला अब मैं एरिया ऑफ रैक्टेंगल निकाल रही हूँ एरिया ऑफ रैक्टेंगल के लिए आपकी लेंथ है एटीन एंड ब्रेथ है टेन So what is the length of rectangle? Kalanthap 18 centimeter. Then write breadth. Breadth of rectangle is 10 centimeter. What is the area? Area of rectangle is 18 into 10 hivab 180 centimeter. Square. तो अब आपने दो तीन चीजें निकाल ली इस ट्रैंगल का एरिया इस ट्रैंगल का एरिया और इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया अब हमें शेडिड पोर्शन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रैंगल वन माइनस एरिया ऑफ ट्रैंगल टू इस पूरे एरिया में से हम वन एंड टू का क्या करने वाले हैं माइनस करने वाले हैं तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है वन एटी है माइनस एरिया ऑफ ट्राएंगल वन कितना है आपका फोर्टी और माइनस थर्टी तो वन एटी में से आपका सेवेंटी चला गया फोर्टी थर्टी सेवेंटी तो ये बचेगा आपका वन हंड्रेड टेन सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये तो था आपका पार्ट वन टेन का अब आ जाओ पार्ट टू पे पार्ट टू में भी ऐसा ही है बटअप के बारे आउटर में आपको स्क्वायर दे रखा है ट्वेंटी 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 और आपको इस ट्रेंगल का एरिया क्या करना है फाइंड आउट करना है तो देखो अब इसमें क्या गिवन है ऐसे डायरेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते क्यों नहीं निकाल सकते ना बेस पता है ना हाइट पता है तो मुझे यहाँ पे कितनी ट्रैंगल दिखाई दे रही हैं एक तो ट्रैंगल वन एक ट्रैंगल टू एक ट्रैंगल थ्री ठीक है अगर मैं ये तीनों ट्रायंगल इस पूरे स्क्वायर में से हटा दूं तो किसका एरिया बचेगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन तो सबसे पहले अगर मुझे इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेंगल वन अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो ट्रेंगल वन क्या आएगा वन बाई टू वट इज द बेस ट्रेंगल वन का बेस क्या है टेन और बच्चे इसकी हाइट है टेन तो जब आप रिड्यूस करोगे तो ये आएगा आपका फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर अब एरिया ऑफ ट्रैंगल टू ट्रैंगल टू का निकालेंगे तो अगेन वन बाय टू टू ये है इसका ये बेस है इन टू में टेन और ये इसकी हाइट है इन टू में ट्वेंटी और टू से रिड्यूस करोगे टेन तो ये आएगा आपका हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ थर्ड पे आप कहोगे कि मैम थर्ड का कुछ भी नहीं गिवन है देखो ये टोटल ट्वेंटी है तो ये भी कितनी है ट्वेंटी जब ये ट्वेंटी है इतना अगर टेन है तो ये भी क्या है टेन तो अब आप एरिया ऑफ ट्रैंगल थर्ड निकालोगे तो क्या आएगा वन बाई टू बेस क्या है आपका ट्वेंटी और हाइट क्या है आपकी टेन जब आप रिड्यूस करोगे तो ये भी क्या बनेगी आपकी हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर अब आपको शेडिड पोर्शन का एरिया निकालना है तो शेडिड पोर्शन का एरिया क्या होगा एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन देखो एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले आप क्या करोगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या करना है एरिया ऑफ ट्राएंगल वन प्लस एरिया ऑफ ट्राएंगल टू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्री एक बार माइनस लगा दो फिर तीनों ट्रैंगल का ऐड करके एक साथ माइनस कर देंगे अच्छा एरिया स्क्वायर कितना होगा आपका एरिया स्क्वायर होगा ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी क्योंकि ईच साइड इज ट्वेंटी तो ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी इन एरिया ऑफ ट्राइंगल वन फिफ्टी प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड तो हमें कितना एरिया माइनस करना है हंड्रेड प्लस हंड्रेड टू हंड्रेड और साथ में फिफ्टी है तो मुझे टू फिफ्टी माइनस करना है तो ये हो गया आपका फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड में से टू फिफ्टी जाएगा तो आंसर आएगा आपका वन फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये एरिया है किसका इस पोर्शन का जो शेरिड पोर्शन है पहले मैंने क्या निकाला एरिया ऑफ स्क्वायर देन मैंने एरिया ऑफ ट्रैंगल वन टू थ्री इसमें से माइनस कर दिया तो कौन सा पोर्शन रह गया आपके पास शेरिड पोर्शन नाउ दिस इज पार्ट टू ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर इलेवन वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ़ दिस गिवन फील्ड हमें इसका एरिया फाइंड करना है इस फील्ड में आपको गिवन है एक ट्रेंगल ऊपर वन है और एक ट्राएंगल टू है अगर आप चेक करो तो देखो मेजरमेंट सेम है अगर आप ट्रगल वन का एरिया निकालो तो बेस ट्वेंटी टू एंड हाइट थ्री सेंटीमीटर नीचे वाले ट्रेंगल में भी बेस ट्वेंटी टू एंड हाइट थ्री सेंटीमीटर सेपरेटली निकालना चाहते हो तो नो no प्रॉब्लम इसका निकाल लो ये गिवन है आपको ए बी सी एंड डी तो सबसे पहले लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉरी ट्रैंगल नाम क्या है ए बी सी अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो वन बाय टू बेस इंटू हाइट होता है तो वन बाय टू आपको पता है बेस कितना है इसका ट्वेंटी टू और हाइट गिवन है थ्री तो आप इसको कट कर दो ये आ जाएगा आपका थर्टी थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेंगल नाम है ए डी सी ए डी सी ट्रेंगल का जो एरिया होगा वो भी सेम होगा वन बाय टू बेस ट्वेंटी टू है एंड हाइट थ्री है देन आप इसको फाइंड करोगे तो ये भी क्या आएगा थर्टी थ्री सेंटीमीटर टोटल एरिया आपको निकालना है फील्ड का तो टोटल एरिया ऑफ फील्ड दोनों ट्रैंगल के एरिया को माइनस कर दो तो एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी सी तो ये हुआ आपका 33 प्लस 33 तो टोटल आया आपका 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आई होप यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन अ गुड इट